आज स्कूल बंद क्यों है? मामा सब जी कह रहे थे कि छुट्टी कर दीजिए, स्कूल ना करते। तो यहाँ पे मास्टर नहीं आए? दस बजे चले गए थे जी, आए थे दस बजे चले गए थे। जहाँ एक तरफ सरकार शिक्षा के ऊपर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र ललितपुर जिले के ग्राम पंचायत जरिया के बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब रहा है। कब से नहीं आए आपके प्राइमरी के टीचर? सर उन्हें 2-2.5 महीने हो गए। तो क्या मेडिकल लिए हुए हैं? हाँ मेडिकल, उस पर अबकास चढ़ाए हैं रजिस्टर पर। अब कैसा अबकास है जी हमें पता नहीं। तो आप प्राइमरी में शिक्षा मित्र हैं? प्राइमरी में शिक्षा मित्र। ड्यूटी आपकी किसने लगाई? माँ साहब ने। आपको वेतन तो BSC देता है, पर आप यहाँ प्राइमरी में थोड़ी इसमें थोड़ी देखते जूनियर स्कूल में? तो माँ साहब ने कहा तो हम आ गए, हमें क्या पता। और आपके यहाँ कौन देख रहा है? हमारे यहाँ शिक्षा मित्र थे। आप वहाँ नहीं देख रही हैं? नहीं हम नहीं देख रहे वहाँ, यहाँ पे एक ही टीचर हैं केवल, हेडमास्टर साहब। अच्छा, यूनिफॉर्म के बारे में? यूनिफॉर्म के बारे में एक ड्रेस वितरित हुई है। कब हुई थी? वो पेपर में निकला था कि प्राइमरी विद्यालय में ड्रेस नहीं बांटी गई, तो माँ साहब आए थे तो आके तुरंत ही बांट गए। एक तरफ जहाँ शिक्षा मित्र विद्यालय में अपना कार्य पूरी लगन और मेहनत से कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बच्चों की जिम्मेदारी उन्हीं पर छोड़कर अध्यापक महोदय महीनों तक मेडिकल लगाकर छुट्टियां मनाते हैं। मैं चाहता हूं कि जिन विद्यालयों में टीचर अपनी मनमानी कर रहे हैं, उन विद्यालयों में समय समय पर निरीक्षण हो, और जिन विद्यालयों में एकल अध्यापक हैं उन विद्यालयों में अध्यापक की नियुक्ति हो, ताकि बच्चों का भविष्य सुधर सके। मैं शंकरलाल रैकवार, बुंदेलखंड क्षेत्र ललितपुर से, इंडिया अनहट के लिए।